Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electronics. So in today's session, we are going to discuss about the depletion region in the PN junction diode and also discuss about the barrier potential of the PN junction diode. So let's start. So the depletion region is one that whenever we apply the external voltage, राइट डेप्लेशन रीजन अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे वी नीड टू अप्लाई दी एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज टू दी पीएन जंक्शन डायोड ठीक है मेरा पीएन जंक्शन डायोड है उसे हम अगर एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो वो कैसे वर्क करेगा दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो लेक्चर सो फर्स्ट वी आर ड्रॉइंग दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैटिस ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स joined together and forming a junction, right? This is anode and this is my cathode. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये formation कैसे हो रहा है और क्या है जिसे हम depletion region बोलते हैं तो समझ लीजिए First, behavior of this PN junction diode immediately after its formation is as follows. See, whenever external voltage source, यहाँ पे अगर हम external voltage source connect करते हैं this is the battery symbol and it is connected across this two terminals okay to kaise ho raha hai so let's understand note that no external voltage is applied between the terminals of the pn junction okay hence the pn junction is said to be unbiased sabse pehle kya hoga jab humne ye connect nahi kiya hoga tab ye jo cheez rahegi that is in the initially it is in the unbiased condition okay अनबायस्ड मतलब हम कोई भी अगर एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज दी अनबायस्ड कंडीशन एंड देन आफ्टर वी आर प्रोवाइडिंग सम बायस्ड कंडीशन मतलब हम कुछ कोई एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो यहाँ पे हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सो फर्स्ट अंडरस्टैंड नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड दैट इज कंसिडर्ड एज दी अनबायस्ड देन आफ्टर वेन एवर दी अनबायस्ड कंडीशन इज देयर N side will diffuse into the P side and recombine with the holes present here. तो यहाँ पे अगर मेरे जब ये मेरा connected नहीं है तब की बात है so I will separate it like this way first. See this is not connected right now. So this is considered as the open circuited right. अभी हम जो यहाँ पे discuss कर रहे हैं वो कौन सी बात है यहाँ पे अगर हम open circuit पहले रख रहे हैं तब देखिए दिस इज कंसिडर्ड एज दी अनबायस्ड सो यहाँ पे क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड ठीक है एन साइड से पी साइड जाएंगे एन साइड टू पी साइड एंड फ्री होल्स दैट इज पी साइड टू एन साइड ये जो है वो डिफ्यूजन होता रहेगा ठीक है ईच इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग इन टू दी पी साइड विल लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव इमोबाइल आयन जो एन से पी जाएगा तो वहां पे वो क्या छोड़ेगा एक होल छोड़ेगा और यहां से P से N जा रहा है तो वहां पे P से N जा रहा है मतलब कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आ रहा है एंड दैट इज फिलिंग अप दी वैकेंट पोजीशन सो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सो लाइकवाइज ऑन बोथ दी साइड्स इट इज हैपनिंग ओके P साइड पे भी हो रहा है और N साइड पे भी हो रहा है सो अल्टीमेटली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद दी होल ऑन द P साइड एन एटम व्हिच एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेटस एंड बिकम्स अ नेगेटिव इमोबाइल आयन क्या हो जाएगा जब ये चीजें हो रही हैं मतलब एन से ये पी जा रहा है ठीक है तो ये क्या बनेगा इट विल लूज इट्स नेगेटिविटी एंड बिकम्स पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगेगा और यहाँ पे क्या होगा इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ठीक है सो इट विल बी becoming a negative charge because यहाँ पे P side से N side जा रहा है तो holes जो है वो कहाँ travel कर रहे हैं P to N मतलब मेरा जो hole है it will be travelling towards this way and electrons are travelling towards this way and holes are travelling towards this way okay this is my electron E minus and this is hole okay so this way it is happening in this particular PN junction diode, right? Due to this recombination process, ये जो पूरा recombine हो रहा है,
A large number of positive ions accumulate near the junction. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक positive charge एक side पे आ जाएंगे और एक side पे negatively charged electrons आ जाएंगे. So the next stage will be seen like this way. See, this is my lattice, that is the p-n junction lattice. Here I am showing it with a different color pen. See, this is the region where the concentration of holes and electrons is being done. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, negatively charged electrons आ रहा है. This is my negatively charged electrons over here. See, यहाँ पे भी आ जाएंगे. And on the other side, what is happening? On the other side, there will be concentration of the positive ions. That is my holes. Okay, ये मेरे holes हो जाएंगे. So this way, the positive ions are concentrated on the other side. Okay. So यहाँ पे negative negative immobile ions जो हैं, वो यहाँ पे हैं. और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो है वो यहाँ पे है. ठीक है, सो बोथ दी थिंग्स आर डिनोटेड ओवर हियर एंड रेस्ट ऑफ दी थिंग्स विल बी लाइक दिस वे. सी, ऑल ओवर हियर देयर विल बी होल्स. ओके, इन दिस होल रीजन होल्स विल बी प्लेस्ड एंड ऑल ओवर हियर इट विल बी इलेक्ट्रॉन्स. सी, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दिस डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन जो हो रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है. ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस वे. Here it will be terminals. Now, right now they are not connected with any battery. Okay, we will see that how it will react for the battery also. But first, we will see this kind of anode and cathode only without attaching any external voltage. Okay, यहाँ पे हमने initially क्या रखा है? Unbiased. Unbiased मतलब without external supply. Okay, तो ये चीज आपको समझ आ रही होंगी. So this way a depth region, or we can say the thick region, is being formed. तो इसे हम क्या कहेंगे, this is called as the depletion region. इसे हम बोलेंगे depletion region, which is being constructed at the center of this p-n junction diode and on both the sides of the junction. ओके, जंक्शन के दोनों साइड पे बन रहा है और एकदम ही सेंटर के अंदर ये डेप्लेशन रीजन जो है वो फॉर्म हो रहा है. सो वी कैन डिनोट दिस डेप्लेशन रीजन विद द डार्क पेन. ओके, सो आई एम ड्रॉइंग विद सम डैश्ड एरिया, शेडेड एरिया, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द डेप्लेशन रीजन ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड. सो दिस इज कॉल्ड एज द डेप्लेशन रीजन. यहाँ पे हमने जो ये थिकनेस बनाया हुआ है, दैट इज कंसीडर्ड एज द डेप्लेशन रीजन. सो देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड एज द डेप्लेशन रीजन ड्यू टू दिस डेप्लेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. ड्यू टू द डेप्लेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड holes, we can call this region as depletion region of p-n junction diode. Okay, so all of you must be clear with the idea that how depletion region can be formed. तो डेप्लेशन रीजन कुछ इस तरीके से हम जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इफ द बैटरी इज अटैच एंड व्हाट हैपेंड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स फॉर दिस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन डायोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट विड्थ ऑफ दिस डेप्लेशन रीजन इज समवॉट अबाउट 0.5 to 1 micrometer. 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी विड्थ रहती है. विड्थ कितनी है? 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर. सो दिस इज माय विड्थ
एंड इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी पी एंड एन रीजन्स. ये जो है वो काफी छोटा है कंपेरेटिवली विद दिस पी एंड एन रीजन्स. ओके सो माइंड वन थिंग. सो नाउ दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस चार्ज रीजन. ठीक है, इसे हम दूसरी एक फिनोमिना है जिसे हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन. कैसे बोलते हैं वो भी समझते हैं. चलो दैट हाउ इट इज कॉल्ड एज द स्पेस चार्ज रीजन. इन द स्टेट ऑफ दिस equilibrium, the depletion region, ये जो मेरा depletion region है, gets widened to such an extent that electrons cannot cross the junction anymore. एक time आ जाएगा जब ये चीजें बनकर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे external voltage, external supply जो है वो attach नहीं किया है. ठीक है, so if you want to do these things furthermore, then you need to apply the external voltage. So this kind of activity is stopped at a one time, and what happens, this widen of this depletion region, widening of this depletion region will be stopped. ये क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा. So that's why this kind of region is also called as the space charge region. यहाँ पे एक space बन गई है charge के लिए, जो उस रीजन को हम स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं. ठीक है, सो इन द स्टेट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम द डेप्लेशन रीजन गेट्स वाइडेंड टू सच एन एक्सटेंट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन एनीमोर. एक टाइम पे आ जाएगा इतना वाइड हो जाएगा कि उसके बाद फर्दर जो डिफ्यूजन है दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां नहीं जा सकते, सॉरी यहां से यहां नहीं जा सकते, और होल्स यहां से एन साइड नहीं जा सकते. सो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम is that whenever the no diffusion will be possible further in the PN junction diode. This is completely for the unbiased PN junction. The depletion region gets formed very quickly after the formation of the junction. एक बार junction बनेगा उसके बाद ये depletion region जो है वो काफी easily यहाँ पे हाँ बन जाएगा. ठीक है, सो जनरली प्रैक्टिकली अगर हम कोई वैल्यूज देखे देन इट विल बी ऑफ 0.5 टू 1 माइक्रोन. इतना छोटा रहेगा ये डेप्लेशन रीजन. ओके सो 0.5 टू 1 माइक्रोन. और यहां पे मैं आपको बता दूं कि 1 माइक्रोन मतलब क्या है. 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁶ मीटर. ओके इतना है. दिस इज कॉल्ड एज दी 1 × 10⁻⁶ मीटर्स इज कॉल्ड एज दी 1 माइक्रोन. ओके इसे हम बोलते हैं 1 माइक्रोन. सो दस द डेप्लेशन रीजन इज वेरी थिन एज कंपेयर टू दी विड्थ ऑफ पी एंड एन रीजन्स. पी और एन रीजन्स के कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी मच स्लिम. ओके बहुत ही पतला होगा. नाउ लेट्स गेट इन टू दी अनदर फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज दी बैरियर potential. See, now barrier potential is the thing that is somewhat lying on the which materials we are using in this formation of this PN junction diode. So barrier potential kya hai, samajhte hain. Due to the presence of this positive and negative ions on opposite side, yahan pe aapne dekha ki ek side pe negative ions hai, ek side pe positive ions hai. So yahan pe kya hoga, it will form an electric field, right? And is created across the junction. Junction के across में field हो रहा है, ठीक है? This electric field is known as a barrier potential. ये जो यहाँ पे बीच में ये particular thing यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको lattice draw करके बता रहा हूँ अलग से. See, this is my depletion region and there is some kind of field being produced over here. See. यहां पे मेरे पॉजिटिव आयंस रहेंगे, वो अभी आपको पता ही है कैसे है. तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर विद द आइडिया. अगेन आई एम शोइंग द सेम थिंग्स विच इज ड्रोन ओवर हियर. हियर देर आर नेगेटिव आयंस, हियर देर आर पॉजिटिव आयंस. ओके तो ये जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज called as barrier potential. Okay, तो इसे हम बोलते हैं barrier potential.
अभी ये मटेरियल वाइज डिफर करेगा. सी फॉर द सिलिकॉन मटेरियल दिस बैरियर पोटेंशियल विल बी ऑफ 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट्स एंड फॉर द जर्मेनियम टाइप ऑफ डायोड दिस बैरियर पोटेंशियल विल बी ऑफ 0.2 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट. ओके, तो इस तरीके से जो है वो रेटिंग्स रहेंगे फॉर दिस बैरियर पोटेंशियल. द पोलैरिटीज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल आर डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ इमोबाइल आयंस प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स. दोनों साइड्स पे अगर जो जंक्शन के एक साइड पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स और या कौन से होल्स रहे हुए हैं उसके ऊपर से आप क्या डिसाइड कर सकते हो, दैट द पोलैरिटी जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो. दिस आर द टर्मिनल्स एनोड एंड कैथोड. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस थिंग्स अदरवाइज दे विल कट ऑफ योर मार्क्स. ओके, सो टाइप ऑफ इमोबाइल आयंस present on the two sides of the junction. So thus the negative terminal of the barrier potential is on the P side. Here it will be P side and here it will be N side. So it is considered as the positive and this one is considered as the negative due to this polarity. Okay? इसकी जो polarity है उसकी वजह से हम इसको negative और positive terminal भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं. ठीक है? So this is called as barrier potential because it acts as a barrier to oppose the flow of electrons. See, यहाँ पे जो ये depletion region बना है, it will not allow to flow the electrons from one side to other side. So that's why it is called as the barrier potential. It is kind of working as a barrier for the electrons. And so the barrier potential represents the height of the barrier that is to be overcome for commencement of flow of electrons and holes. ठीक है, तो यहां से अगर आपको further flow करना है, further flow करवाना है electrons का, then we need to apply external power supply in order to make the electrons flow from one side to the other side. Okay, so this is the thing, and this kind of barrier potential is called as the essential quality for the PN junction diode. So importance of this barrier potential is very much that what voltage you need to provide in order to overcome this barrier potential. Okay, that is need to be seen from this data sheet of the particular PN junction diode. We will also discuss about the data sheet of the PN junction diode. So barrier potential is equivalent to a barrier wall which does not allow the flow of electrons and holes to cross the junction. So if we want them to cross the junction, then an external voltage of appropriate polarity has to be provided. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके across voltage provide करना पड़ेगा in order to overcome the opposition of the barrier potential. ठीक है? So this is the basic terminologies regarding the PN junction diode. And if we want to learn more about the PN junction diode, then these two are the key factors. Okay? So I hope all of you gained some of the knowledge from this video, and if you gained some of the knowledge, then you should like and share the video and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.